हरियाणा के सोहना में एक फौजी पर एक विवाहिता ने 5 साल पहले रेप करने और अश्लील वीडियो बनाकर 5 साल तक ब्लैकमेल करने और महिला और उसकी बेटी को जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं। पुलिस को दी शिकायत में महिला ने बताया कि रेप करने के बाद वह वीडियो के जरिए उसे ब्लैकमेल करने लगा और शारीरिक संबंध बनाने का जोर देने लगा, लेकिन जब महिला ने इसका विरोध किया तो उसने उसकी बेटी समेत उसे जान से मारने की धमकी दे दी। महिला के पति ने बताया कि उन्होंने सोहना पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है, लेकिन फोन पर लगातार फैसले का दबाव डाला जा रहा है और अभी तक पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी नहीं किया है। सर, ये मामला है मेरे घरवाली का जी, तो 5 साल पहले उसके साथ रेप हुआ है जी। और 5 साल से कंटिन्यू उसको ब्लैकमेलिंग और धमकी दी जा रही है सर, और वो जो लड़का है इंडियन आर्मी में सर, वो है पोस्टिंग जी, और सर वो दबंग आदमी है जी, और हमें डरा धमका के नहीं फैसला करने के लिए बोल रहे हैं, और पुलिस ने सर अभी तक इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं। सर ये इन्होंने वीडियो बनाई, फोटो खींचे और ब्लैकमेलिंग करता है, जान से मारने की धमकी देता है और दोबारा कहता है मेरे साथ रिश्ता बनाओ जी। तो ये क्या क्या धमकी देता है इसमें? वीडियो अपलोड की बात करता, क्या कहता है? वीडियो अपलोड कर दूंगा, फोटो वायरल कर दूंगा, तेरे को जान से मार दूंगा, अगर तूने मेरे साथ संबंध नहीं बनाया तेरे बच्चे को मार दूंगा, ये बोले। तो अब आपने क्या कार्रवाई की इसमें? सर मैंने इसमें FIR करा दी है और मुकदमा दर्ज हो गया सर, 164 के बयान भी हो चुके हैं, लेकिन पुलिस ने सर अभी तक उसको कोई अरेस्टिंग नहीं हुए सर। भले ही हरियाणा सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्पेशल महिला पुलिस थाने भी खोल दिए हों और सख्त कानून बना दिए हों, इसके बावजूद भी वैश्य दरिंदे और अपराधी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। यौन अपराध को लेकर भले ही सरकार कितने ही कड़े कानून बना दे, लेकिन उसके बाद भी लोगों में इस कानून का दूर दूर तक भय नहीं है। ऐसा ही मामला खुला जहां पर एक विवाहिता ने आरोप लगाया कि उसके पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने करीब 5 वर्ष पहले उसके साथ दुर्व्यवहार किया, वह उसकी एक आपत्तिजनक वीडियो बना डाली। इस आपत्तिजनक वीडियो को लेकर वह लगातार 5 सालों से विवाहिता को ब्लैकमेल कर रहा है, वह उसे जान से मारने की धमकी देता है, वह उसे बार बार वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी देता है। परेशान होकर विवाहिता ने एक शिकायत सोने थाने में दर्ज करवाई है, जहां पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला तो दर्ज कर दिया है, लेकिन आरोपी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं की है। विवाहिता के पति ने बताया कि आरोपी पक्ष के लोग उस पर लगातार फैसले का दबाव बना रहे हैं, लेकिन पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पा रही। अब देखने वाली बात है कि पुलिस आरोपी को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। सोहना से सत्य खबर के लिए संजय राघव की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।